हेलो दोस्तों, आज देखेंगे कैसे आप वन प्लस नॉट सी थ्री के अंदर 5G अनलिमिटेड 5G आनंद ले सकते हैं। जियो ट्रू 5G अनलिमिटेड 5G आनंद ले सकते हो, जितना मर्जी पर डे अनलिमिटेड प्लान यूज़ कर सकते हैं। कैसे आप जियो 5G अनेबल करेंगे इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले आपका तीन क्राइटेरिया चाहिए। एक तो आपका फ़ोन 5G होना चाहिए, जो नॉट सी 5G है, C3 5G है, और दो 239 से ऊपर रिचार्ज होना चाहिए, और तीन आपका जो नेटवर्क एरिया है वो 5G नेटवर्क जियो टू 5G नेटवर्क एरिया के अंदर रहना चाहिए और कुछ नहीं। इसके बाद ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद आपको दिखा देता हूँ क्या क्या करना पड़ेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे 4G चल रहा है, आपको 5G दिखा 5G चला के तो दिखाऊंगा, और एक टिप्स लास्ट में एक टिप्स बताऊंगा जो आपको मिस एकदम नहीं करना है। तो दे पूरा वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही छोटा वीडियो है, एक बार वॉच तो जरूर कीजिए। तो आपको पहले आपको जियो माई जियो पे जाना है। तो माई जियो पे मैं चला जाता हूँ। माई जियो पे जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना नंबर दिख रहा होगा, तो ये क्रॉस कर देता हूँ। यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे एरो का एक साइन दिखाई पड़ेगा, इस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए, नीचे आने के बाद यहाँ पे चारों आपको ऑप्शन मिल जाए। आप नॉट सी 3 यूज कर रहे हैं, मतलब आपका फोन तो 5G है और कुछ देखना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देखिए चेक 5G रेडीनेस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये टिक हो गया। आपका फोन अगर अपडेट नहीं है, जरूर आपको अपडेट करना है। तो मेरा फोन अपडेट है, आई अपडेट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए चेक योर 5G सेटिंग दिखा रहा है। तो आपको देखिए हैंडसेट 5G जो सेटिंग से यहाँ पे लाल हुआ है, मतलब ये ब्लूटूथ नहीं आया अभी तक। तो इसको ब्लूटूथ कैसे लाएंगे, उसके लिए गो टू सेटिंग ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है गो टू योर मोबाइल नेटवर्क सेटिंग एंड एनश्योर 5G नेटवर्क टाइप इज एनेबल टू एंजॉय जियो वेलकम ऑफर। तो आपके फोन के अंदर जो 5G नेटवर्क है वो होना चाहिए और जियो वेलकम ऑफर आना चाहिए। और गो टू सेटिंग्स पे मैं क्लिक करता हूँ। गो टू सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका फ़ोन का सेटिंग्स पे ये लाएगा। अब यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क है, इस पर क्लिक करना है। मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए फास्ट सिम में आपका जियो होना चाहिए। अगर आप जियो सिम यूज़ करते हैं तो फास्ट सिम में जियो होना चाहिए, तो इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद देखिए प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, ये 4G 3G 2G है, इसको आपको 5G 4G 3G 2G कर देना है। उसके बाद देखिए ये 4G से 5G कन्वर्ट हो जाएगा, और 5G अगर आप 5G नेटवर्क एरिया के अंदर है तो 5G आपको हर वक्त मिलता रहेगा, अनलिमिटेड 5G। और एक चीज़ आपको जो बोनस में बताया था, बोनस में दूंगा, एक बोनस दे देता हूँ। देखिए आपको रिचार्ज को लेके एक बोनस आपको दे देता हूँ। देखिए मैं मेरा जो जियो ऐप है, जियो ऐप ओपन कर लेता हूँ। देखिए जियो ऐप मेरा ओपन हुआ है। जियो ऐप में ओपन करने के बाद यहाँ पे मोबाइल पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाता हूँ। देखिए मेरा जो व्यू प्लान है, मेरा जो प्लान है आपको दिखा देता हूँ। देखिए मेरा जो प्लान है 1559, जो 12 मंथ के लिए 24 GB डेटा रहेगा। अगर 5G कॉन्स्टेंट आपका फ़ोन में रहेगा तो आपका डेटा यूज़ नहीं होगा, तो 5G कॉन्स्टेंट आपको चलता रहेगा। देखिए मेरा जो वैलिडिटी है 7th मार्च 2025 तक है, उसके पहले अगर प्लान भी आ जाता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे पहले आप देखिए अनलिमिटेड जो प्लान है, देखिए जियो जो अनलिमिटेड प्लान है वो 7 मार्च 2025 तक है। मतलब इससे पहले अगर कोई प्लान भी आ जाता है जियो का, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 5G चलता रहेगा मार्च तक। और एक चीज़ इसमें देखिए, इसमें सिर्फ 59 रुपया लग रहा है, मतलब पर डे 4 रुपया और कुछ पैसा लग रहा है। अब अगर 666 जो अभी तक 4G और 5G का सबसे सस्ता प्लान है, कोई भी प्लान हो इससे सस्ता कोई प्लान नहीं है, तो आप देख लीजिए कि इससे कोई सस्ता प्लान है कि नहीं। अगर आपका फ़ोन में 5G चल रहा है तो ये प्लान आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, ऐसा और वीडियो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर बजा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना, अच्छा ना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।